जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू सैनिक समाचार। आज 18 अप्रैल की सैनिक खबरों में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरें। वर्ष 2024 में होगी अग्निवीरों के लिए 96 भर्ती रैलियां। इंडियन एयरफोर्स के सबसे बुजुर्ग जीवित लड़ाकू पायलट स्क्वाड्रन लीडर दलीप सिंह मजीठिया का 103 वर्ष की आयु में निधन। और सीपीकेबी कैंटीन के सामान पर जवानों को 50% की छूट। भारतीय वायुसेना ने फिर जीता जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का दिल। और आखिर में हम जानेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में आर्मी हॉस्पिटल R&R का कमाल। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। सेना वर्ष 2024 में अग्निवीरों के लिए कुल 96 भर्ती रैलियों का आयोजन करेगी। वित्त वर्ष 2024 में देश भर में 96 भर्ती रैलियां आयोजित करने वाली है भारतीय सेना। रैलियों में से 11 भर्तियां विशेष रूप से सैन्य पुलिस कोर में महिला अग्निवीरों के चयन के लिए होंगी। यानी भारतीय सेना कुल मिलाकर पूरे वित्त वर्ष में 96 भर्तियां करेगी। उनमें से 11 भर्तियां CMP में महिला अग्निवीरों के लिए होगी। सेना ने एक ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा निर्धारित की है जो देश भर में 174 स्थानों पर होगी। सेना के एक अधिकारी ने कहा, 22 अप्रैल से 7 मई तक निर्धारित परीक्षा विंडो में ए भूतपूर्व 12.8 लाख पंजीकृत उम्मीदवारों के भाग लेने की उम्मीद है। भर्ती योजना का उद्देश्य देश की सुरक्षा में योगदान देने में सक्षम, कुशल और प्रेरित व्यक्तियों को आकर्षित करना है। प्रवेश परीक्षा के बाद शारीरिक और चिकित्सा परीक्षाएं होंगी, जिसके बाद शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। अगली खबर है भारतीय वायुसेना के सबसे बुजुर्ग जीवित लड़ाकू पायलट स्क्वाड्रन लीडर दलीप सिंह मजीठिया का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बहुत ही दुखद खबर है। भारतीय वायुसेना के सबसे पुराने जीवित लड़ाकू पायलट स्क्वाड्रन लीडर दलीप सिंह मजीठिया 103 साल की उम्र में सोमवार रात को उत्तराखंड के रुद्रपुर में अनंत काल के लिए उड़ान भर गए, जहां उनका एक खेत था। 1920 में शिमला में जन्मे स्क्वाड्रन लीडर मजीठिया सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान नवंबर 1939 में तत्कालीन रॉयल इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बर्मा के ऊपर लड़ाकू अभियानों में उड़ान भरी। उन्होंने 13 विभिन्न प्रकार के विमानों पर 1100 से अधिक उड़ाने भरी। हम सब की ओर से इन योद्धा को श्रद्धांजलि। आप यहाँ पे फोटो देख पा रहे हैं, जब इंडियन एयरफोर्स के पायलट उनके घर पे गए, जब उनका जन्मदिन था तो केक काटा, लेकिन अब मजीठिया जी हमारे बीच नहीं रहे। ये भारतीय वायुसेना के जीवित पायलटों में सबसे ज़्यादा उम्र के योद्धा थे। 103 साल की उम्र में अब ये स्वर्ग सिधार चुके हैं। तो एक बार फिर हमारी ओर से इनको ग्रैंड सैल्यूट और हार्दिक श्रद्धांजलि। बात करेंगे अगली खबर की, तो कैंटीन में अर्धसैनिक बलों को मिलेगा ये सामान। रैंक के हिसाब से खरीद सकेंगे TV, फ्रीज से लेकर बाइक और कार। यानी CAPF के जवानों के लिए भी अब कैंटीन में वो सब सामान उपलब्ध होंगे जो आर्म्ड फोर्सेज के जवानों, अधिकारियों और JCOs के लिए होते हैं। जिस प्रकार आर्म्ड फोर्सेज में JCO जवानों और अधिकारियों के लिए लिमिट तय की गई है, उसी प्रकार CAPF के जवानों के लिए उनकी कैंटीन में लिमिट तय की गई है और 50% की छूट भी सामान पे दी जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार यानी KPKB में मिलने वाले सामान पर 50% छूट देने की घोषणा की। इसका फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों एवं दूसरे पुलिस संगठनों के सेवारत और रिटायर्ड कर्मचारियों को होगा। CAPF के अलावा CBI, SPG, स्टेट पुलिस पर्सनल और ऐसे कर्मचारी जिन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय में 5 साल या उससे अधिक समय तक सेवा की है, वे भी KPKB से सामान की खरीद के पात्र हैं। देश भर में KPKB के 119 मास्टर भंडार हैं, तो वहीं 1786 सब्सिडियरी भंडार है। अफसर और उनके समकक्ष रैंक वाले एक माह में ग्रोसरी एवं उपभोग्य वस्तुओं पर 11,000 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे। अन्य रैंक और समकक्ष वालों के लिए ये सीमा 8,000 रुपये
टेकी है। कैंटीन में घरेलू सामान के अलावा टीवी, फ्रिज से लेकर बाइक व कार तक मिलेगी। वेतन श्रेणी के अनुसार दुपहिया वाहन और चार पहिया वाहनों की खरीद सीमा तय की गई है। काफ़ी लंबे समय से सीएपीएफ के जवानों और उनके समकक्ष जवानों की ये मांग थी कि उनको भी कैंटीन की सुविधाएं मिले और कार, टू व्हीलर, एसी, फ्रिज ये सब खरीदने के लिए छूट मिले। तो आखिरकार गृह मंत्रालय ने इसको अनुमति दे दी है और अब केपीकेबी में मिलने वाले सामान पर 50% की छूट दे दी गई है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 11,000 और 8,000 रुपये की लिमिट तय की गई है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे पूरे सामान की लिस्ट कि कितनी क्वांटिटी आप ले सकते हैं एक साल में वो देखने को मिल जाएगी। अगली खबर पे बात करें तो ये खबर आ रही है जम्मू एंड कश्मीर से। भारतीय वायुसेना ने फिर जीता जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का दिल। दरअसल जेएंडके में भारतीय वायुसेना के एक AN-32 परिवहन विमान ने कारगिल से श्रीनगर तक तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता वाले दो नागरिक रोगियों को एयरलिफ्ट किया। स्थानीय प्रशासन द्वारा भारतीय वायुसेना की सहायता मांगे जाने के बाद विमान को सेवा में लगाया गया। भारतीय वायुसेना अक्सर हमारे देश के लोगों को इस प्रकार की तत्काल सहायता पहुँचाती रहती है, इसलिए भारतीय वायुसेना को सलाम। जो इंडियन एयरफोर्स ने ये पूरा काम किया है, AN-32 से दो मरीजों को ट्रांसपोर्ट किया है कारगिल से श्रीनगर, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट किया है और पूरे प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पे तस्वीरें भी शेयर की है। आप देख पा रहे हैं कि जो मरीजों को पहले AN-32 में लाया जा रहा है और उसके बाद AN-32 में यात्रा करवाई जा रही है और सक्सेसफुली श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर उतारा जा रहा है। और यहाँ पे आखिर में हम बात करेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में सेना के सबसे बड़े हॉस्पिटल R&R का कमाल। अब आप देखें वीडियो। हॉस्पिटल में हर तरह का कॉम्प्लिकेटेड केसेस हम डील करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। कुछ लोगों का लिवर फेलियर होता है कि हम इसको लिवर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। रीनल ट्रांसप्लांटेशन हमारा रेगुलरली चलते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन चलते हैं। रिसेंटली एक केस आया था जम्मू एंड कश्मीर से, जो सिविलियन है, नॉन एंटाइटल्ड है, फिर भी उनका इलाज उधर नहीं हो रहा है, तो हमने उनको लिया और उनका एक कॉम्प्लिकेटेड हार्ट सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी किया और बहुत खुश होकर वापस चला गया। तो ये हमारा कोशिश रहता है कि किसी कोई भी मरीज हो उसको बेस्ट पॉसिबल केयर दे और इससे हमको भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कंट्री। जनवरी 2015 में मुझे पता चला था कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है, कंटिन्यू रिव्यू चलता रहा, एंजियोग्राफी होती रही, मल्टीपल होल्स बच्चे में जो प्रॉब्लम है। 2015 में ओपन हार्ट सर्जरी हुआ, सेकेंड उसका एक ओपन हार्ट सर्जरी प्लान किया गया था। 2 अप्रैल 2024 स्टेंट को सर बिना ओपन हार्ट किए उसको सक्सेसफुली सर खोला। हमने RR हॉस्पिटल में उससे पहले जो CTC हॉस्पिटल बने हैं आर्मी का, उसमें हमने कुछ ऐसे प्रोसीजर्स किए हैं जो बिना सर्जरी के एक छोटे से सुई जैसे होल से जो ड्राइंग में लिया जाता है उसके थ्रू हमने प्रोसीजर्स किए हैं। बहुत डिफिकल्ट काफ़ी ऐसी चीज़ें अब करने में सक्षम हैं जो पहले सर्जरी से होते थे, ओपन हार्ट सर्जरी से, लेकिन अब बिना सर्जरी के उसको कर देते हैं, जिसमें खासकर कि स्टेंटिंग और जो बड़ी बड़ी खून की नलियां हैं उसकी स्टेंटिंग और बलूनिंग और जो होल्स हैं हार्ट में, जो होल होते हैं पैदाइशी, उनको बिना ऑपरेशन के बंद करना और चैलेंजिंग केसेस देने के लिए। उन्होंने मेरी बेटी को अच्छा किया और अब वो अच्छे से सांस ले रही है, अच्छे से चल रही है। RR हॉस्पिटल का और सर का दिल से तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, उन्होंने मेरी बेटी को अच्छा किया। और आज की खबरों में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आपसे जुड़ी हुई ताज़ा खबरें यूं ही मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।